जो होगा वो होगा नंबर फॉर्मेटिंग ये जो नंबर टैब है ना आपके पास यहाँ कंट्रोल वन से जो आता है ये चीज़ें फिर इसी में देखेंगे कस्टम में कुछ कोड्स होते हैं हमारे कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग बोलते हैं ये कोड्स कैसे चलते हैं क्या होता है ठीक है तो जैसे कि मैं कुछ नंबर इनपुट करता हूँ यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल का सेल की फॉर्मेटिंग होती है वो आपकी जनरल होती है जैसे जनरल सिलेक्टेड है हर एक की है जब आप इसमें वैल्यू डालते हैं कोई भी जैसे मैं कंट्रोल सेमी कॉलन डेट डाल रहा हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है डेट तो जनरल क्या करता है ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है जैसे ही उसमें वैल्यू इनपुट होती है इसमें हम करते हैं नंबर फॉर्मेट लगा के देखते हैं नंबर फॉर्मेट में देखते हैं देखो सैंपल बॉक्स आ रहा है जनरल में कैसा दिखाना है वैल्यू वैसे दिखाता है नंबर में सैंपल बॉक्स आ रहा है डेसीमल प्लेसिस दे सकते हैं डेसीमल प्लेसेस आपको पता ही है डेसीमल कितने देने हैं उसके लिए यूज सेपरेटर होता है जैसे थाउजेंड के आगे सेपरेटर लगाना है ठीक है जैसे कि आ, आपकी एक हज़ार की वैल्यू है तो हज़ार के आगे आपको कॉमा लगाना है कि एक के बाद एक कॉमा लग के आता है तो उसमें यूज़ थाउजेंड सेपरेटर यूज़ होता है ठीक है इसी में आगे नेगेटिव नंबर देखोगे तो आपके जैसे नेगेटिव माइनस वाले मैंने एंटर किए हैं तो इसके चार फॉर्मेट होते हैं कि नेगेटिव नंबर किस तरह से दिखा सकते हैं पहला डिफॉल्ट है माइनस करके दिखाता है दूसरा चूज़ करेंगे तो वो रेड में दिखाएगा नेगेटिव नंबर माइनस नहीं दिखाएगा इसमें करते हैं तो ये नेगेटिव नंबर आपके ब्रैकेट में दिखाएगा ठीक है यहाँ ब्रैकेट में भी दिखाएगा रेड में भी दिखाएगा ठीक है जी तो ये फॉर्मेट्स होते हैं आपके इसमें चलते हैं इसी में आप देखोगे करेंसी का जब फॉर्मेट चूज़ करते हैं तो करेंसी में क्या है डेसीमल प्लेसिस होता है हमारे पास और नेगेटिव नंबर्स होते हैं ठीक है सिंबल में आप कोई भी सिंबल लगा सकते हैं जैसे डॉलर चाहिए आपको या आपको दिखाना है आईएनआर का रूपी का तो इसमें नेविगेट करेंगे तो सारे सिंबल आपको करेंसी के मिल जाते हैं ठीक है ऐसे डॉलर लगा दिया मैंने तो इस तरह से हमारे को फॉर्मेट दिखा रहा है इसी में ही अगर मैं कहूँ कि अकाउंटिंग में चलते हैं अकाउंटिंग में क्या है डेसिमल है और सिंबल है तो इसमें डेसिमल और सिंबल तो हमारा करेंसी में भी था तो इन दोनों में फर्क क्या है जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए इसमें करेंसी में क्या होता है अकाउंटिंग में क्या होता है ये सिंबल एक साइड अलाइन हो जाते हैं ठीक है नेगेटिव नंबर आपके ब्रैकेट में आते हैं अगर कहीं ज़ीरो है तो वो डैश के तौर पे आता है माइनस तो आपका बैलेंस शीट या अकाउंट स्टेटमेंट में इसी तरह का फॉर्मेट यूज़ होता है ताकि डेटा क्लियर रहे ठीक है जी इसके बाद डेट्स होती हैं डेट का फॉर्मेट है डेट मैं डालता हूँ कंट्रोल सेमी कॉलन से करंट डेट डाल दी मैंने अब ये जो डेट होती है हमारी अगर मैं इसको जनरल में कर देता हूँ जनरल फॉर्मेट में तो यहाँ आते हैं कुछ नंबर्स ये नंबर क्या हैं पता है किसी को क्या होते हैं नंबर तो ये नंबर क्या होते हैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ एक इधर रखता हूँ और एक को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट थ्री डेट फॉर्मेट का शॉर्टकट है इसको करके देखोगे ठीक है तो ये क्या दिखा रहा है आपको एक जनवरी 1900, 367 डालता हूँ ये क्या दिखा रहा है एक जनवरी 1901। तो मतलब ये जो नंबर आते हैं आपके कोई भी ये एक जनवरी 1900 से लेकर उस डेट तक के नंबर्स होते हैं डेज होते हैं ठीक है जी जो कि जनरल में आपको दिखाता है डेट फॉर्मेट क्या करता है डेट फॉर्मेट में एक इंजन लगा है जिसके बेस पे ये कैलकुलेट कर लेता है कि कौन सी डेट है बेसिक में पीछे जो होता है वो नंबर ही होता है तो डेट को इस तरह से दिखाने के लिए डेट हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मेट यूज़ करता है जिसमें आप देखो देखो पहले दो फॉर्मेट हैं जिनमें आपके आगे स्टार लगा हुआ है स्टार का मतलब क्या होता है कि डेट फॉर्मेट डिस्प्ले डेट एंड टाइम सीरियल नंबर एज डेट वैल्यूज़ एन एस्ट्रिक्ट रिस्पोंड टू चेंज द रीजनल डेट एंड टाइम सेटिंग मतलब कि वो जो आपके कंप्यूटर में यहाँ पे जो आपका डेट एंड टाइम होता है यही आपका डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है यहाँ एक्सेल में डेट का तो ये जब आप सेटिंग चेंज करोगे तो आपकी यहाँ चेंज हो जाएगी मतलब हर कंट्री में जो भी सेटिंग उठाएगा डेट टाइम की वो यहाँ से उठाएगा जो आपके सिस्टम की लोकल होगी वही दो फॉर्मेट का मतलब है ये शॉर्ट डेट फार्मेट है ये लॉन्ग डेट फार्मेट है सिस्टम का ठीक है जी उसके अलावा आप इस तरह से दिखाना चाहते हो इसमें क्या है आपको मंथ पहले दिखा रहा है डेट बाद में दिखा रहा है अलग अलग फॉर्मेट है जैसा चाह दिखाना चाहें वैसे डेट को दिखा सकते हैं इसमें दिखाना चाहें इस तरह के से दिखा सकते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट है जैसे भी डेट को आप दिखाना चाहें फुल मंथ नेम के साथ दिखाना है इस तरह से खाली मंथ नेम और ईयर दिखाना है तो डेट वही रहेगी बैकग्राउंड में बस इनकी विजिबिलिटी बदल जाएगी जो हमारे फॉर्मेट्स होते हैं नंबर फॉर्मेट्स खाली डेटा की विजिबिलिटी को बदलते हैं रियलिटी में डेटा बैकग्राउंड में वही रहता है मतलब वो बेसिक वो एक नंबर ही है ठीक है जी नीचे देखेंगे इसी में और भी फॉर्मेट है जैसे मंथ का इनिशियल और ईयर इस तरीके से आ गया तो जैसा चाहें वैसे डेट को दिखा सकते हैं इसी तरह टाइम में होता है आपके पास टाइम में थोड़ा सा एक अलग होता है वो दिखा देता हूँ कंट्रोल सेमी कॉलन से हमने क्या किया करंट डेट ली कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन दबाता हूँ तो करंट टाइम आता है पर जब मैं इसको जनरल फॉर्मेट में करता हूँ तो आपको यहाँ क्या मिलता है डेसिमल पोजिशंस अब ये डेसिमल पोजिशन का बैकग्राउंड क्या है एक फंक्शन है मेरे पास नाव नाव का फंक्शन क्या रिटर्न करता है डेट एंड टाइम ठीक है जी तो ये डेट का फंक्शन आपको डेट एंड टाइम रिटर्न करता है और जब मैं इसको जनरल फॉर्मेट में देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया नंबर आया और कुछ डेसिमल में पोजीशन आई जबकि जहाँ मैंने डेट डाली थी वहाँ खाली नंबर आया और जहाँ खाली टाइम डाला था वहाँ डेसिमल आया तो मतलब कि एक की वैल्यू क्या हो गई एक दिन भी हो गई चौबीस घंटे भी हो गई तो अगर आपको देखना है कि टाइम में अगर आपको प्लस प्लस अगर यहाँ पे देखो नंबर है अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ इसमें प्लस कर देता हूँ नंबर में डायरेक्ट प्लस कर सकता हूँ इक्वल टू करके नंबर बढ़ के आ जाएगा तो आपकी डेट तो बढ़ के आ जाती है इक्कीस की तेईस हो गई पर टाइम में अगर आप प्लस कर रहे हो दो प्लस कर रहा हूँ तो ये दो कहाँ प्लस हुआ है डेसिमल से पहले तो यानी कि अगर मैं टाइम में बदल के देखूँ तो कोई फ़र्क नहीं है कहने का मतलब ये है वो दो जो आपके प्लस हुआ है वो कहाँ प्लस हुआ है डेट में यानी कि 24 घंटे एक के हिसाब से तो दो के हिसाब से 48 घंटे जुड़े हैं उसमें ठीक है तो अगर मुझे टाइम प्लस करना हो तो कैसे करूँगा इसमें मेरे को वही डेसिमल की वैल्यू करनी पड़ेगी यानी कि एक घंटे में चौबीस एक दिन में चौबीस घंटे होते हैं तो वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर इसका मतलब कि मैं वो डेसिमल की वैल्यू मेरी एक घंटे के बराबर होगी वो आ जाएगी यहाँ और इसको जब मैं टाइम फॉर्मेट में करूँगा तो आप देखोगे एक घंटे का डिफरेंस है ठीक है मुझे मान लो मिनट जोड़ने हैं इसमें तो ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी और कर दूंगा इससे क्या हो जाएगा साठ मिनट होते हैं ना दो बज के बारह मिनट तो ऐसे हम वैल्यू रेशनली ले सकते हैं इसी तरह सेकेंड करने हैं तो मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी और कर लो ठीक है पर अब इनको देखने के लिए फॉर्मेट चाहिए एक मैं फॉर्मेट ऐसा भी कर देता हूँ कि इसमें दो भी जोड़ देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे अलग अलग तरह के टाइम हैं हमारे पास इनके फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है अपने पास तो जब हम टाइम में जाते हैं तो हमारे पास ये स्टार वाला जो है वो मैंने बताया कि जो सिस्टम का लोकल टाइम होगा वो आपको स्टार में दिखाएगा जहाँ एम पी एम है वो आपका होगा ट्वेल्व आवर्स का फॉर्मेट ठीक है ट्वेल्व आवर्स का फॉर्मेट है ये ट्वेंटी फोर आवर्स का फॉर्मेट देखना है तो ये थर्टीन बाय थर्टी का फॉर्मेट है जिसमें ए एम पी एम नहीं होता है तो ये आपको ट्वेंटी फोर आवर्स के फॉर्मेट में टाइम दिखा रहा है पर जबकि मैंने यहाँ पे दो जोड़ा है यानी कि 48 घंटे जोड़े मुझे कई बार चाहिए होता है 24 से बियॉन्ड टाइम जैसे एक मशीन है उसका टेस्ट रन किया मैंने कि 48 घंटे निकाल गया सक्सेसफुली बहत्तर घंटे निकाल गया इस तरह से अगर मुझे कभी टाइम दिखाना है तो मैं क्या करूँगा ये थर्टी सेवन बाई वाला फॉर्मेट चूज़ करूँगा इसका मतलब है बियॉन्ड ट्वेंटी आवर्स तो आप जो देखेंगे मैंने जहाँ दो जो जो जोड़ा था उस टाइम में तो टोटल वैल्यू इसकी आ गई 62 टू आवर्स एलेवन मिनट ठीक है जी तो ये तीन फॉर्मेट होते हैं टाइम के जो ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है एक्सेल टाइम को इस तरह से ही नोट करता है ठीक है जी उसके बाद आगे देखते हैं परसेंटेज अब परसेंटेज में क्या होता है एक जीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो पॉइंट टू फाइव ज़ीरो पॉइंट वन तो पहले क्या था हम डिवाइड करते थे परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड करते थे अब आपके पास सीधा सीधा परसेंटेज का फॉर्मेट है आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू सौ हो गई पचास हो गई ये परसेंटेज है अगर इसकी आप रियल वैल्यू देखोगे जनरल में तो एक ही रहेगी ठीक है इसी तरह बाक़ियों की वैल्यू वही रहती है ठीक है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई फ़र्क नहीं होता हाँ आपने यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार फॉर्मेट अप्लाइड है पाँच लिख रहे हैं या पाँच लिख रहे हैं उसकी रियल वैल्यू वही रहेगी आपकी जो होती है ठीक है जी तो परसेंटेज का जो फॉर्मेट है अपने पास वो यहाँ पे आप डेसिमल और दे सकते हैं चाहे तो फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास फ्रैक्शंस क्या होते हैं एक बटा दो दो बटा तीन इस तरह की वैल्यू तो ये क्या होता है एक होता है हमारा डेसिमल सिस्टम होता है जो हमें पॉइंट में डिनोट करते हैं हम चीज़ों को एक होता है फ्रैक्शनल सिस्टम फ्रैक्शनल सिस्टम में क्या होता है एक बटा दो दो बटा तीन इस तरह से रिजल्ट आते हैं पर इनकी भी एक्चुअल वैल्यू वही रहती है यानी कि थ्री पॉइंट फाइव मतलब तीन सही एक बटा दो ठीक है जी फाइव पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फोर ठीक है जी तो ये आपके फ्रैक्शनल्स हो गए उसके बाद आपका साइंटिफिक यूज़ नहीं करते लॉग वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है इसका हम लोग यूज़ नहीं करते टेक्स्ट टेक्स्ट का यूज़ कब करते हैं हम लोग जैसे कि कई बार हमें क्या करना होता है जैसे चेक नंबर डाल रहे हैं या कोई नंबर डाल रहे हैं जहाँ आगे ज़ीरो दिखाना है तो क्या करते हैं पोस्ट ऑफ का साइन यूज़ करते हैं आगे ज़ीरो डाल दिया ठीक है तो जब हमें ऐसी एंट्री करनी हो टेक्स्ट की एंट्री करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा जैसे आपको रेगुलर करनी है तो बार बार अपोस्ट डालने की जरूरत नहीं है आप उसको जाके डायरेक्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो ठीक है जी उसके बाद अपोस्ट डालने की जरूरत नहीं है आप लोग वैसे ही कर सकते हो ठीक है ठीक है जी इस तरीके से आप कर सकते हो टेक्स्ट की वैल्यू आ गई उसके बाद स्पेशल यूज़ नहीं करेंगे हम क्योंकि ये सारे काम हम कस्टम से करेंगे अब कस्टम में क्या है मान लीजिए कि आपने ये चेक नंबर डाले हैं उससे पहले एक चीज़ और दिखा दूँ आपको कि ये टेक्स्ट में एक दिक्कत भी आती है हमारे साथ उसको कैसे करना है कई बार आपने फार्मूला लगाया है तो ये टेक्स्ट होने की वजह से आ, मतलब जैसे यहीं फार्मूला लगा दिया आपने तो ये टेक्स्ट होने की वजह से आपका काम नहीं करेगा कैलकुलेट नहीं करेगा इसका तरीका क्या है एफ़ टू करके भी करेंगे नहीं करेगा इसको जनरल में करके करेंगे तब भी चेंज नहीं हुआ जनरल में करके एफ़ टू करके करेंगे तब चेंज होगा तो ऐसे ही मान लो आपका बहुत सारा काम है इकट्ठे आपको करना है तो क्या कीजिए इसको सिलेक्ट कीजिए डेटा में जाइए टेक्स्ट टू कॉलम डायरेक्ट जनरल में कन्वर्ट करना है सारा सारा नेक्स्ट में जाइए फिर से नेक्स्ट जनरल फिनिश सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा जनरल फॉर्मेट में और कोई तरीका नहीं है ठीक है जी अदरवाइज आपको एक एक सेल में जनरल करके एफ टू करके एंटर करना पड़ेगा ठीक है जी अब मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये चेक नंबर लिखे थे हमने यहाँ से हो गया ये कन्वर्ट टू नंबर नंबर में कन्वर्ट हो गए अब वो जो ज़ीरो लगे थे मुझे वापस लाने एक्सेप्ट कंट्रोल जी क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम ये कर सकें इनके आगे ज़ीरो और दिखाने वैसे तो क्या करेंगे हम एक ट्रिक है जैसे छः डिजिट के थे मेरे चेक नंबर कस्टम में गया यहाँ पे सिक्स टाइम जीरो डाल दिया मैंने ठीक है जी ओके <coughs> okay कर दिया आ गए वापस पर ये तो एक ट्रिक थी इसकी रियल वैल्यू वही है जो कन्वर्ट टू तो नंबर होने के बाद आई थी ठीक है जी तो ये हुआ क्या ये एक फॉर्मेट लगाया मैंने जो आपको खाली विजिबिलिटी वैसे दिखा रहा है पर एक्चुअल वैल्यू वो नहीं है तो बेसिकली आपका यहाँ से फार्मूला बार से और आपके सेल के, के पे जो वैल्यू दिखाता है इन दोनों को बीच में कनेक्शन करने के लिए प्लेस होल्डर्स यूज होते हैं ठीक है इनको प्लेस होल्डर्स कहा जाता है तो प्लेस होल्डर्स हमारे हर एक वैल्यू के हिसाब से अलग अलग होते हैं नंबर के लिए हमारे पास होते हैं ज़ीरो जो कि मैंने यूज़ किया हैश होता है क्वेश्चन मार्क होता है और थोड़े से इसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं हमारे जैसे कि डेसिमल हो गया कॉमा हो गया बैक स्लैश हो गया ठीक है जी फ्रैक्शनल के लिए इसको यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें हमारी नंबर के लिए यूज़ होती हैं ठीक है टेक्स्ट के लिए यूज़ होते हैं हमारे पास प्लेस होल्डर्स हैंट द रेट और बाकी सपोर्ट में हम स्टार की वर्ड भी है हमारे पास एक यूज़ करने के लिए ये एक एक करके बताऊंगा मैं किस लिए यूज़ होते हैं इसके बाद हम डेट जैसे यूज़ करते हैं तो डेट के लिए हमारे पास चलता है डी एम वाई ठीक है टाइम के लिए क्या चलता है अपने पास यहाँ पे चलता है एच एम एस आवर मिनट सेकेंड और क्या चलता है ये बड़े ब्रैकेट भी लगते हैं बीच में इसके अंदर भी कई बार वैल्यू देते हैं और एक चलता है ए एम पीएम पी एम ठीक है टाइम के बाद अपने पास इसमें कुछ कलर भी चलते हैं तो कलर भी हमारे बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिख के दिए जाते हैं रेड ग्रीन इस तरीके से लिख के दिए जाते हैं उसके बाद कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं इसके अंदर तो यहाँ कंडीशंस भी चलती हैं अपनी तो कंडीशन भी बड़े ब्रैकेट में लगाते हैं हम जैसे ग्रेटर देन हंड्रेड बड़े ब्रैकेट के अंदर लेस देन हंड्रेड लेस देन फिफ्टी या जो भी देना है तो इस तरीके से हम कंडीशन भी लगा सकते हैं तो ये इतने तरह के प्लेस होल्डर अपने यूज़ होते हैं ठीक है अब एक एक देखते हैं कि हर एक का यूजेज कैसे होता है क्या मतलब है हर एक चीज़ का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं नंबर की तो नंबर में आपने देखा कि मैंने छह डिजिट लगाए थे ज़ीरो के ठीक है कस्टम में जाएंगे हम जैसे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे यहाँ पे नंबर है सतानवे अट्ठारह सात सौ चौबीस तीन सौ बाईस ये मोबाइल नंबर है इसके आगे मुझे लिखना है प्लस नाइन वन ठीक है तो क्या करेंगे हम कस्टम में जाएंगे यहाँ प्लस नाइन वन लिख दिया हमने उसके बाद ये बैकग्राउंड की वैल्यू को इसके फ्रंट से जोड़ने के लिए जैसे सैम्पल में प्लस नाइन वन ही दिखा रहा है अभी जो प्लेस होल्डर यूज होते हैं वो होते हैं ज़ीरो हैश या क्वेश्चन मार्क तो जैसे मैंने ज़ीरो दे दिया तो भी आपको ये ऐसे ही दिखा देगा अगर हम ये प्लेस होल्डर नहीं देते हैं तो यहाँ क्या दिखाएगा खाली प्लस नाइन वन ठीक है चाहे उसमें कुछ भी पड़ा हो जीरो दिखाएंगे तो बैकग्राउंड की वैल्यू भी साथ में जोड़ के दे देगा ठीक है तो जीरो हैश और क्वेश्चन मार्क सिंगल डिजिट तक ठीक ठीक काम करते हैं सिंगल डालेंगे तो मतलब बैकग्राउंड की वैल्यू ऊपर आनी है ठीक है जी पर जब हमें डिजिट वाइज स्पेसिफाई करना है जैसे आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर पड़ते हैं या मीटिंग आईडी जैसे मैंने भेजी एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे करके मैं जैसे मीटिंग आईडी भेजता हूँ आपको मैं चाहता हूँ तीन तीन के बाद डैश आना चाहिए यहाँ पे अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा डिजिट वाइज स्पेसिफाई करने के लिए मुझे जैसे डाला मैंने ज़ीरो 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 तीन डिजिट फिर डैश आ जाए फिर तीन डिजिट फिर डैश आ जाए सैम्पल में देखते जाएंगे तीन डिजिट डैश आ गया ठीक है तो बीच में ये डैश आ गया तो इस तरह से आपका शो कर रहा है ठीक है ये हो गया डिजिट वाइज स्पेसिफाई करने के लिए पर जीरो की आदत क्या है कि अगर इसमें कम डिजिट पड़ी होती अभी नौ डिजिट थी अब कम डिजिट पड़ी होती तो डिजिट जीरो क्या करता है फोर्सफुली जहाँ डिजिट नहीं है वहां जीरो लगा देता है ठीक है जी पर इसी कारण से क्या हुआ कि जब यहां नंबर पड़े थे अगर कम पड़े होते छह बार जीरो दिया था तो बाकी जगह ये जीरो लगा रहा था ठीक है जी तो यही काम हुआ जो कि एक ट्रिक थी अब मान लो आपको जीरो नहीं चाहिए पर आप ऐसे डिजिट वाइज स्पेसिफाई करना चाहते हो और बताना चाहते हो कि यार यहां डैश आएगा पर जीरो आप ये लगाना नहीं चाहते कि जीरो ना आप फिल करें तो उसकी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं हैश तीन हैश डैश तीन हैश डैश तीन हैश डैश तो क्या हुआ जहां पे आपका जो कैरेक्टर लाने थे लाया पर जीरो इसने एक्स्ट्रा नहीं लगाए जहां हैं वहां दे दिए जहां है नहीं है वहां कोई बात नहीं ठीक है जी इसी तरह क्वेश्चन मार्क हमारा क्या करता है क्वेश्चन मार्क मैंने क्या किया यहाँ पे मैं करता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन पॉइंट टू थ्री सिक्स थ्री फाइव सिक्स पॉइंट वन थ्री पॉइंट वन टू ठीक है यहाँ पे मैंने ये बेसिकली डेसिमल को अलाइन करने के काम आता है कैसे आता है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तीन क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ लगा दिए फिर डाला डॉट डेसिमल के लिए डॉट डालता है फिर तीन क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दिए अब ये क्या करेगा आपका स्पेस रिजर्व कर लेगा कि तीन डेसिमल के बाद थे तो मतलब अभी दो करेक्टर और आने हैं ठीक है जी इसका अगर अलाइनमेंट चेंज करके देखूँ क्योंकि तीन डेसीमल से आगे भी थे तो यहाँ का भी स्पेस रिजर्व कर लिया ठीक है जी स्पेस रिजर्व के चक्कर में क्या हुआ ये जो पॉइंट है वो एक लाइन में आ गया इससे क्या हो जाता है कि कई बार आपको देखना है कि डेसिमल में ज़्यादा वैल्यूज़ हैं है ना तो आप डेसिमल अलाइन करके देख सकते हो यार एक्चुअल वैल्यू कितनी चल रही है यहाँ से है ना तो जहाँ डेसिमल लगता है डेसिमल आपका डेसिमल uh, वैल्यूज़ के लिए लगता है इसकी जगह आप फ्रैक्शनल के लिए क्या लगा सकते हो बैक स्लैश तो ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शनल में कन्वर्ट हो जाती है तो क्वेश्चन मार्क के साथ यूज़ करोगे तो ये फ्रैक्शनल डिज आपके अलाइंड हो जाएंगे हालांकि ऐसे भी कर सकते हो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो कर दिया मैंने तो आपका इस तरह से दिखा रहा है ठीक है डेसिमल के लिए वो ज़ीरो हो जाता है आपका और फ्रैक्शनल के लिए आपका बैक स्लैश हो जाता है ठीक है दोनों डेसिमल सिस्टम है तो अब इसको क्या करना है जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि फॉर्मेट चलते कैसे हैं जैसे कि हमने यहाँ पे कोई फॉर्मेट लगाया था एक नंबर फॉर्मेट लगाया था यहाँ पे कॉमा सेपरेटर वाला ठीक है तो आपको देखना हो कि इसका कोड क्या है तो पहले तो फॉर्मेट अप्लाई कर लो कि हाँ यूज सेपरेटर डबल डेसिमल तक ओके okay किया फिर यहाँ से जाके कस्टम में जाके देखो जो कोड सिलेक्टेड होगा वो कोड इसके लिए है अब ये कोड देखते हैं ये कोड क्या बनाया है कि हैश कॉमा हैश जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो तो डबल डेसिमल के लिए इसने क्या किया है दो बार डॉट के बाद दो बार जीरो लगाया है कि अगर नंबर हो तो दे दे अदरवाइज़ जीरो की आदत है फोर्सफुली करने के लिए तीन जीरो दे दोगे डेसिमल के बाद तो यहाँ तीन जीरो दे, दे देगा और ज़ीरो कम करते जाओगे तो कम करते दे कम करता जाएगा सिंगल डेसिमल तक ठीक है इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन मार्क जहाँ हम यहाँ हैश हमने यूज़ किया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि फोर्सफुली ज़ीरो आए तो अगर यहाँ पे ज़ीरो लगा होता हैश की जगह है, और यहाँ कम नंबर होते तो ज़ीरो अपने आप आ जाते हैं एक्स्ट्रा ठीक है तो इस तरह से मिक्स करके इनको यूज किया जाता है कॉमा किस लिए यूज हो रहा है आपका कॉमा सेपरेटर के लिए ये ऑटोमेटिक होता है ठीक है जी तो ये समझ आ गए कैसे चलते है? नंबर के टेक्स्ट के देखते हैं टेक्स्ट में जैसे मैंने लगा दिया कंपनी के नाम डाल दिए जिनपैक्ट एक्सेंचर Metalife, मरसर मैं चाहता हूं कि आगे इनके मैसर्स लिख दू ठीक है मैसर्स लिखा हुआ है इनके तो जब भी हम टेक्स्ट की एंट्री करते हैं फॉर्मूला की तरह ही इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में देना होता है इन्वर्टेड कॉमा मैसर्स और उसके बाद बैकग्राउंड की वैल्यू वापस लाने के लिए लगता है एट द रेट

आगे ऐसा करियो ना आज ही हो ना हम पता क्या इधर ही रहेंगे लोकल में कहीं एक एक सेकंड एक सेकंड एक मिनट राजू से बात कर रहा मैं क्लास ले रहा था एक सेकंड बस राजू सुनो चैंपियन काट देना यार हेलो हाँ जी सर तो आगे हम बात कर रहे थे इसमें एट द रेट एट द रेट से क्या हुआ इसमें मैसर्स आके लिखा एट द रेट से बैकग्राउंड वैल्यू आ गई अच्छा। नंबर में जैसे हमने करा कि जीरो या हैश या क्वेश्चन मार्क को जब हमने बढ़ाया तो डिजिट वाइज स्पेसिफाई कर रहा था पर एट द रेट में ऐसा कुछ नहीं होता जितनी बार आप एट द रेट लगाओगे उतनी बार बैकग्राउंड की वैल्यू ऊपर आ जाएगी इसमें डिजिट वाइज स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं होती अच्छा। आप चाहते हो कि इसके एट द रेट के बाद एट द रेट मतलब हो गया बैकग्राउंड वैल्यू लिमिटेड आ जाए यहां लगाया इसके पीछे लिमिटेड आ गया ठीक है तो कुछ भी लिखोगे ये दोनों अपने आप इससे अटैच हो जाएंगे ठीक है जी तो टेक्स्ट के लिए हम लोग ऐट द रेट यूज करते हैं एट द रेट के साथ ये स्टार ये टेक्स्ट के लिए एक स्टार और भी होता है जैसे कि इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ जैसे नेम करके कर मैंने ये डैश ये क्या कर दिया आ, अंडरस्कोर डाल दिया जैसे फॉर्मेट बनाने होते हैं ना मुझे अंडरस्कोर यहाँ डाल दिया फिर मैंने सिटी किया और फिर इसमें अंडरस्कोर डाल दिया तो यहाँ जैसे फॉर्मेट की दिक्कत होती है स्टार बेसिकली रिपीट करने के लिए किसी चीज़ को काम आता है तो आप चाहते हैं जैसे ये फॉर्मेट बना रहे हैं और ये आपका रिपीट हो जाए अंडरस्कोर अपने आप तो क्या कीजिए इसको सिलेक्ट कीजिए कस्टम में जाइए पहले आएगा एट द रेट यानी बैकग्राउंड वैल्यू स्टार और स्टार के बाद जो भी करेक्टर देंगे वो आपका रिपीट होगा टिल कॉलम विट तक तो कॉलम की विट जितनी बढ़ाएंगे वहां तक आपका ये करेक्टर स्टार होगा ठीक है जी रिपीट होगा स्टार के बाद कुछ भी लगा देंगे वो रिपीट होगा एस कर दिया कोई तो भी करेक्टर हम लगा देते हैं तो ये रिपीट होगा ठीक है जी कॉलम वेट तक इसके बाद देखते हैं डेट में तो डेट मैंने जैसा बताया कि कुछ नंबर्स ही होते हैं आपके <laughs> यहाँ कस्टम में जैसे चले गए तो जब आप डी डालते हैं डी का मतलब हो गया डे ट्वेंटी वन सी एक बार डी डाला तो सिंगल डिजिट में डे आता है मतलब वन है तो वन आएगा टू वन है तो टू वन आएगा डी दबा दो बार डी और कर देते हैं तो डबल डिजिट में आता है वन है तो जीरो वन आएगा ट्वेंटी वन है तो ट्वेंटी वन ठीक है जी तीन बार डी जब करेंगे तो आपका डे नेम आ जाएगा सैटरडे संडे पर आएगा एवरीवेटेड में चार बार डी डालेंगे तो फुल डे नेम आ जाएगा इसी तरह से आपका मंथ में भी चलता है एक बार एम डालेंगे सिंगल डिजिट मंथ मतलब टू है तो टू दो बार दो बार एम डालेंगे तो मंथ डबल डिजिट में जीरो टू तीन बार एम डालेंगे एब्रीवेटेड मंथ नेम चार बार डालेंगे फुल मंथ नेम इसी तरह से ईयर्स के लिए जो पड़ता है हमारा वाई वाई डबल डिजिट ईयर और चार बार वाई फोर डिजिट ईयर तो आपको कोई भी डेट का कोई भी फॉर्मेट बनाना है तो इसी हिसाब से कर सकते हैं कि जैसे पहले मुझे चाहिए फुल डे नेम पूरा डीडी डाल दिया उसके बाद मैंने कॉमा दिया स्पेस दिया कुछ भी दे दिया फिर मुझे चाहिए कि मंथ नेम एब्रीवेटेड आ जाए तीन बार एम डाल दिया फिर कॉमा दे दिया फिर मुझे चाहिए कि डबल डिजिट में डे आ जाए वो दे दिया फिर कॉमा दे दिया ईयर फोर डिजिट में आ जाए तो चार बार वाई दे दिया तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेट अपने हिसाब से बना सकते हैं बैकग्राउंड में वही वैल्यू रहेगी आपकी ठीक है जी टाइम के लिए क्या करते हैं टाइम के लिए मैं वैसा ही एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन और इसमें जोड़ देता हूँ क्योंकि एलैब्स टाइम भी दिखाना है आपको दो जोड़ देता हूँ ठीक है ये दो फॉर्मेट हो गए तो इन पर मैं क्या करता हूँ आर दिखाना है तो एच से आपका आर इसमें सिंगल डिजिट डबल डिजिट चलता है दो बार एच करेंगे डबल डिजिट आर कॉलन एम एम कर दिया हमारा सेक मिनट आ गया एस एस कर दिया सेकेंड आ गया ठीक है अब ये क्या है कि अभी 24 फोर आवर्स फॉर्मेट है ये ठीक है जी अगर आपको चाहिए कि ये मुझे 12 आवर्स फॉर्मेट में चाहिए तो एम स्लैश पी एम कर देंगे ठीक है जी एम स्लैश पी एम कर देंगे 12 आवर्स के फॉर्मेट में आ गया इसके अलावा मैंने बताया था 20 बियॉन्ड 24 फोर आवर्स का फॉर्मेट तो जैसे मुझे टोटल आवर्स निकालने हैं तो एच को मैं कर दूंगा अंदर बड़े ब्रैकेट्स के तो इसमें देखिए यहाँ पे 62 टू आर्स आ गया टोटल आर्स मतलब इसी तरह मैंने कई बार किसी प्रोडक्ट का रन आपको आर्स में नहीं चाहिए मिनट में चाहिए तो ये बड़े ब्रैकेट एम के आगे लगा देंगे मिनट के आगे ठीक है उसको मिनट के अंदर दे, दे देंगे उसमें क्या हो गया टोटल मिनट्स आ गए आपके आपको चाहिए नहीं टोटल मिनट नहीं मुझे सेकंड में चाहिए तो सेकंड के आगे ये बड़े ब्रैकेट लगा देंगे ठीक है जी तो ये आपका टाइम जो है टोटल सेकंड्स में आ गया बैकग्राउंड वैल्यू वही रहेगी तो टाइम को आप इस तरह से कर सकते हैं उसके बाद <coughs> कुछ कलर्स चलते हैं इनमें कलर्स मुझे कैसे पता चल रहे कि कलर्स चलते हैं इसमें कि मैंने आ, जब हम नेगेटिव नंबर्स पे देख रहे थे तो यहाँ जब हमने नेगेटिव नंबर के लिए कलर डाला तो कलर आ गया था ना तो उससे मुझे पता पड़ा इसमें कलर भी चलते हैं तो कलर के लिए क्या करना पड़ता है आपको बड़े ब्रैकेट में कलर का नाम देना होता है रेड कर दिया अब ये कलर आपने यहाँ से कलर किया और यहाँ से कितना भी आप कलर कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई और कलर चेंज करने की कोशिश करो कुछ नहीं होगा ठीक है जी कलर की तरह ही इसमें कंडीशन भी चलती हैं जैसे कलर अभी मैं ग्रीन दे दूं तो ग्रीन आपका ग्रीन में चेंज हो गया अब मैं कंडीशंस लगाना चाहता हूं कि यार जो सौ से बड़ी वैल्यू है वो रेड कलर में आ जाए और सौ से छोटी किसी और कलर में आ जाए तो मैं ये करूँगा कंडीशन बड़े ब्रैकेट के अंदर देता हूँ कि ग्रेटर देन हंड्रेड जो वैल्यू है या इक्वल टू हंड्रेड कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू हंड्रेड जो वैल्यू है वो हो जाए मेरी इसी के बाद ही ब्रैकेट में दे, दे देंगे हम रेड आ जाए ठीक है जी तो इसमें देखेंगे वो कलर आ रहा है पर अगले का फॉर्मेट नहीं है तो अदरवाइज के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है सेमी कॉलन सेमी कॉलन देंगे तो अदरवाइज फॉर्मेटिंग दे सकते हैं हम मैंने कर दिया जो दूसरी है वो वैल्यू आ जानी चाहिए ब्लू में तो ये अगली वैल्यू आ गई ब्लू में ठीक है तो अगर ये वैल्यू छोटी होती है तो ब्लू में आ गई बड़ी होती है तो रेड में आ गई एक तरह से नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग चल गई और आप यहाँ से जितना मर्जी कलर कर लें ये चेंज नहीं होने वाली <coughs> ठीक है जी तो इसका जब आप देखोगे तो फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिखा रहा है रेड कंडीशन फिर जनरल फिर सेमी कॉलन तो सेमी कॉलन के बाद क्या हो गई अदरवाइज लग गई आपकी कंडीशन ठीक है जी तो जनरल का मतलब है कि आप यहाँ पे फॉर्मेट भी दे सकते हो जैसे डबल डेसिमल में दिखानी थी आपको ये वैल्यूज़ इसी कलर में दिखानी थी तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो करके दिखा दिया मैंने जो ब्लू वाली है मुझे तीन डेसिमल में करनी है तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 कर दिया तो ब्लू वाली तीन में हो गई और रेड वाली मेरी दो में हो गई इसमें कुछ और एक्स्ट्रा लग गया था। तो दो में हो गई अगर ये चेंज होती है तो इस तरह से आ जाएगी ये तीन में आ जाएगी ठीक है जी तो अलग अलग तरह की कंडीशन भी चल सकती है ठीक है जी इसी की तरह हम देखेंगे एक अब आपको इसमें एक सॉलिड सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जैसे मुझे इंडियन नंबर फॉर्मेट क्या होता है अब जैसे बाहर में तो आपका जो कॉमा लगता है वो मिली है। हाँ जी हाँ जी नहीं, नहीं। टेक्स्ट का ही होगा ये ठीक है जी तो इसमें इंडियन नंबर फॉर्मेट में क्या होता है आपको जो कॉमा दिखाना होता है जैसे एक लाख इक्कीस हज़ार पाँच सौ इस तरह से दिखाना होता है है ना पर जब ये कॉमा लग के आता है इसमें कैलकुलेशन तो कुछ कर नहीं सकते हम एक लाख इक्कीस हजार क्योंकि ये इंडियन है एरर देगा है ना जो वैसे कॉमा लगता है कायदे से जो हमारा एक्सेल लगाता है कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में एक इक्कीस पाँच सौ अगर मैं करता हूँ और इसको फॉर्मेट में करता हूँ यहाँ से कॉमा सेपरेटर तो क्या दिखाता है ये वो नहीं दिखाता बल्कि ये लगाता है मिलियन बिलियन में कॉमा, है ना तो मुझे ये चाहिए यार इंडियन नंबर फॉर्मेट मतलब ये जो है वो मुझे एक लाख इक्कीस हजार इस तरह से चाहिए ठीक है जी तो इसमें मुझे करना है यहाँ तीन चार जगह में डाल देता हूँ <coughs> और फिर आपको एक एक फॉर्मेट कंडीशंस के थ्रू बना के दिखाता हूँ ठीक है जी अब क्या है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ कॉमा सेपरेटर जैसे कि मैं डालता हूँ कि हैश कॉमा हैश हैश ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो दे दिया मैंने तो क्या हो रहा है सबके आगे आ तो रहा है पर ये एक लाख इक्कीस हज़ार वाला नहीं आ रहा इसको और आगे बढ़ाता हूँ मैंने कहा यार इधर जो है एक हैश और दे दो कॉमा दे दिया आगे और हैश ठीक है इसका मतलब है कि मैं लाख पे लगाना चाह रहा हूँ कर रहा हूँ पर कोई फ़र्क नहीं आया क्यों नहीं आया इस पर कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कॉमा हट गया है तो कॉमा एक स्पेशल कैरेक्टर है ठीक है जैसे कि यहाँ यूज़ हो रहा है तो कॉमा जहाँ भी लगेगा वो मिलियन बिलियन पे ही काउंट करेगा तो कॉमा को रिजल्ट को पलटने के लिए एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह यूज़ करना है मुझे ये बैक स्लैश लगाना पड़ता है ठीक है जी और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैक स्लैश कॉमा ठीक है जब मैं इस तरीके से करूँगा तो इसने मेरा फॉर्मेट बदल दिया है पर उसके साथ ये भी बदल दिया है कि यहाँ पे जहाँ कॉमा नहीं चाहिए मुझे वहाँ पर भी लगा दिया है और यहाँ पे भी इनको सही करना है यानी कि मुझे बिठानी पड़ेगी इसमें कंडीशन तो मैंने कंडीशन दे दी आगे इसके ब्रैकेट में कि वन वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन लाख ठीक है अदरवाइज में कर दिया मैंने वही वाला एक लाख से बड़ी है तभी मुझे उसकी जरूरत है अदरवाइज मेरा नॉर्मल फॉर्मेट काम कर जाता है है ना हैश कॉमा दो बार हैश डॉट जीरो डॉट जीरो जीरो क्योंकि अदरवाइज में अगर एक लाख से वैल्यू बड़ी नहीं है तो बाकी मेरा नॉर्मल थाउजेंड तक तो सही काम कर रहा है तो यहाँ तक आ गया सही चल गया अपना फॉर्मेट इंडियन नंबर अब मान लो एक करोड़ की वैल्यू डल गई इसमें तो, तो भी नहीं आ रहा आगे बढ़ाना पड़ेगा तो यानी कि मुझे एक कंडीशन और आगे लगानी पड़ेगी ये अदरवाइज वाली और कॉपी करके मैंने ये आगे ले ली इसके ठीक है जी इस फॉर्मेट में मैंने क्या किया दो जीरो यहाँ बढ़ा दिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू वन करोड़ फॉर्मेट भी उसी तरीके से बढ़ा दिया कि हैश बैक स्लैश कॉमा हैश इस तरह से तो ये मेरा काम कर गया ठीक है जी इसके आगे रुपीस वगैरह लगाना हो तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ इसी फॉर्मेट के आगे ठीक है जी यहाँ पे इधर फॉर्मेट के आगे और वहाँ पे उसके आगे अदरवाइज से पहले पहले तो इस तरह से आप फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं इन फॉर्मेट्स का फ़ायदा क्या है क्योंकि बैकग्राउंड में तो आप कोई चेंज कर ही नहीं रहे आप कैलकुलेशन कर सकते हो इनकी ठीक है जी <coughs> प्लस माइनस कर सकते हो ठीक है सर अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया आपको ये सब क्या है कि डेटा को बैकग्राउंड में चेंज कर रहे हैं मतलब विजिबिलिटी खाली उसके लिए कर रहे हैं बैकग्राउंड की वैल्यू नहीं है इनको अगर जनरल करोगे तो वैसे ही आएंगे पहले ही पर अगर आपको ऐसा ही कुछ चाहिए जैसे कि मैं इसका कोड क्या करता हूँ ये कोड उसको कॉपी कर लिया अलग रख लिया मैंने ठीक है जी अब मान लो ये जनरल नंबर हैं पर आपको रियल में वैल्यू इनकी चाहिए ऐसी है तो क्या करेंगे आप एक टेक्स्ट का फॉर्मूला है हमारे पास उसको यूज़ करेंगे वैल्यू में मैंने इसका रेफरेंस लिया और फॉर्मेट टेक्स्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं पूरा कोड वो वाला दे दूंगा तो इसमें दिक्कत क्या है ये जो आपके जहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा थे ना वहाँ डबल देने पड़ते हैं बस अगर फार्मूला के अंदर आपने इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करने तो ठीक है जी हाँ तो एंटर किया अब ये वैल्यू मेरी रियल में अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज करता हूँ तो ये वैल्यू मेरी टेक्स्ट में है ठीक है जी थी? तो ये फाइल भी मैं आपको साथ में दे देता हूं तो आज का सेक्शन यहीं खत्म होता है हाँ जी सर हाँ जी सर